चैनल मीरा गुप्ता इंडियन रेसिपीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बादाम का पेस्ट आइस क्यूब के शेप में बनाएंगे। हमारे दिमाग को तेज़ रखने के लिए और मेमोरी साफ करने के लिए बहुत मदद करते हैं, इसलिए बच्चों को किसी भी फॉर्म में अवश्य देना चाहिए। बादाम मिल्क बनाने के लिए हमें बादाम पीसने हैं। 200 ग्राम बादाम, 100 ग्राम चीनी, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाकर हम डीप फ्रीजर में रखेंगे। अब इन बादामों को 12-14 घंटे के लिए भिगो देंगे। 12 घंटे के बाद हमारे बादाम इस तरह से फूल गए। अब हम इन्हें चाकू से छीलेंगे। ये आराम से छिल जाते हैं फूलने के बाद। बादाम हमारे छिल गए हैं। अब हम चीनी की चाशनी बनाएंगे। चीनी में 1 गिलास पानी डालकर चीनी को घोलेंगे। भगोनी चढ़ा दी चाशनी वाली। अभी हमें इसमें चाशनी नहीं बनानी है, केवल इसको घोलना है। चीनी घुलने तक हम इसे पकाएंगे। चीनी हमारी घुल गई है और खोली भी अच्छी तरह से आ गई है। बस अब हम गैस इसको बंद कर देंगे। अब इसको ठंडा होने के बाद हम बादाम पीसेंगे। अभी हम बादामों को पीसेंगे। चीनी का पानी ठंडा हो गया है। अब इस चीनी के पानी से बादाम को पीसेंगे। इसमें सादा पानी नहीं मिलाना है। बादाम महीन पिस गए हैं। अब इसे बाउल में निकाल लेंगे। ये डीप फ्रीजर में रखने के लिए हम इसमें क्यूब बना देंगे। पेस्ट बनाकर हम इसे 5-6 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। और हमें ज़्यादा दिन रखना है तो हमें इस तरह से क्यूब बनाकर डीप फ्रीजर करना होगा। बादाम का पेस्ट बनकर तैयार है। इसे सुबह दूध में डालकर बच्चों व सभी को पिलाएं और जब मन करे तब फ्रीजर में से बादाम के क्यूब को निकालकर दूध में मिलाकर पिए और पिलाएं। इन क्यूबों से आप केसर मिल्क और बादाम का हलवा भी बना सकते हैं। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एंड स्क्रीन में हमारे चैनल के तमाम वीडियोज़ की प्लेलिस्ट दिखाई गई है। इन वीडियोस को देखकर रेसिपीज़ बनाने का लाभ उठाएं और अपना अनुभव हमारे चैनल के साथ शेयर करें।